कंसेप्ट वाइज बनाएंगे तो अभी फॉर्मूला लिखते हैं। ये है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100 ये करना है। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मुझे करना है एसआई इंटू 100 बाय टी इंटू आर। उसी तरह मुझे टाइम निकालना है तो एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू आर। और मुझे रेट निकालना है तो एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। और मुझे अमाउंट निकालना है अगर तो मुझे करना है प्रिंसिपल प्लस एसआई। समझ में? तो ये हम लोगों का फॉर्मूला। प्रिंसिपल का दूसरा भी फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग अगर अमाउंट से एसआई को घटाएंगे तो भी क्या बनेगा, हम लोगों का प्रिंसिपल ही बनेगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बोलते हैं इसके हिंदी में, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, यानी कि ब्याज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब प्रिंसिपल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, रेट निकालना है तो ये फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब प्रिंसिपल क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। प्रिंसिपल मतलब होता है अपना जो पैसा है, अपने पास जितना पैसा है जो हम लोग बैंक में रखता है वही मेरा प्रिंसिपल है, उसको बोलता है मूलधन। और रेट मतलब होता है दर। पैसा अगर मैं किसी को देता हूँ या फिर कहीं पर रखता हूँ तो उसका फिक्स रेट होता है ना, दर होता है। तो जितने भी दर पर मैं कहीं पर पैसा रख रहा हूँ या फिर किसी को मैं दे रहा हूँ तो ये रेट। अब कितना समय के लिए दे रहा है, एक साल, एक महीना या फिर एक दिन, वो टाइम हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अब 100 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट मतलब हमेशा ये साइन होता है, तो परसेंटेज साइन जहाँ पर वो दिखता है हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए 100 यहाँ पर है। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है, टाइम का फॉर्मूला ये है, रेट का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला ये है। समझ में? चलो तो अब, और अमाउंट मतलब होता है जब पैसा हम लोग रखते हैं उस पर जितना भी पैसा ज़्यादा मिलता है, जितना भी, जैसे कि मैंने रखा था 500 रुपये, 500 रुपये रखा था और मुझे 2 महीने बाद में 20 रुपये ज़्यादा बढ़ कर मिला तो 520 रुपये हुआ, ये मेरा प्रिंसिपल है, मतलब मेरा मूलधन अपना पैसा। और ये 20 रुपये जो है मुझे मिला एक्स्ट्रा, तो यही मेरा ऐसा ही है। तो प्रिंसिपल रेशो क्या हुआ मेरा, ये 520 रुपया अमाउंट हुआ, जिसको बोलता है हम लोग मिश्रधन हिंदी में, इसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया या फिर नहीं आया? नहीं आया है तो पूछो। चलो ये हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, हम लोग सीख रहे हैं साधारण ब्याज निकालने वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को याद करो, नहीं करने का जरूरत भी, हम लोग अभी करेंगे कुछ सवालों को, तो फॉर्मूला को याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से हम लोग समझेंगे। ये मूलधन निकालने वाला फॉर्मूला होता है, ये समय निकालना होता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, दर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। अभी यहाँ पर है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि जितना भी पैसा मेरा है और उस पर, उस पैसे पर जितना भी ज़्यादा पैसा मुझे मिल रहा है, दोनों जब जुड़ता है तो हमारा क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है मिश्रधन। 500 रुपया था मेरा प्रिंसिपल, यानी कि मेरे पास था, वो पैसा मैंने जाके बैंक पर रखा या फिर किसी को दिया, और मुझे कुछ दिनों बाद या तो कुछ साल बाद 20 रुपये ज़्यादा दिया, यानी कि ये दोनों पैसा मेरा अभी क्या होगा, मिश्रधन। तो जितना भी मूलधन पर बढ़ा हुआ पैसा उसको बोलता है साधारण ब्याज। समझ में? अब थोड़ा सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ तक तो मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। अमाउंट और एसआई में फर्क ये होता है, अमाउंट और एसआई में फर्क ये, यही पे फर्क ये होता है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल, कितना है, 500 रुपया है प्रिंसिपल, मतलब समझ में आया मूलधन, मेरे पास जो पैसा है। एसआई मतलब ब्याज मुझे मिल रहा है, कितना मुझे ब्याज मिला यहाँ पर, 20 रुपये ब्याज मिला। अब जितना भी पैसे मेरे पास है उस पर जो पैसा बढ़कर मुझे मिल रहा है वही दोनों मिलाकर मेरा क्या बन जाता है, अमाउंट, जो अभी मेरा कितना हो गया, 520 रुपये। तो अमाउंट मतलब दोनों जुड़ना पड़ेगा,
प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट से मुझे क्या करना है, ऐसा का घटाना है, मतलब सीधा सीधा जितना पैसा मुझे मिल रहा है, मैंने 500 रुपये दिया, 500 रुपये दिया और मुझे 520 रुपये मिल रहा है उसके बदले में, तो 20 रुपये ज़्यादा मिला ना मेरा, तो जितना जो ज़्यादा मिला वो साधारण ब्याज, दोनों जुड़ अगर मुझे बोलेगा मिश्रा धन कितना हुआ तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, वही है, समझ में? सवाल पूछना है तो पूछो। और यहाँ पर दो तीन चीजों का हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो है मेरा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में इस तरह से हम फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन अगर वहां पर डे दिन दिया होता है दिन, तो दिन को हमें क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रेट बनता है वो ईयरली सबसे बनता है। डे है तो क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग दो, महीना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग दो। इसी में जैसे कि प्रिंसिपल अभी डे है तो क्या लगाना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा, महीना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा। अगर वहां पर साल है ईयर है तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाओ। जैसे कि एग्जांपल में सवाल है, इस तरह का सवाल है, राम ने 5000 रुपया रखा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। राम के पास 5000 रुपये है, वो रखा है, उसका रेट है 10%, 10% दर पर, टाइम है 10 वर्ष के लिए, किसी को देता है, राम है, राम के पास 5000 रुपये है, 10% दर पर 10 वर्ष के लिए, ये ईयर है, हाँ ये ईयर है, 10 वर्ष के लिए, चलो मोहन को देता है वो पैसा, पैसा 5000 रुपये दे रहा है मोहन को, 10% दर है, समय है 10 वर्ष, अब कितना मिलेगा उसको, 10 वर्ष बाद तो इसको पैसा मिलेगा, तो 10 वर्ष बाद जो पैसा मिलेगा वो क्या क्या होगा इसका, अमाउंट होगा, तो अमाउंट निकालना पड़ेगा मुझे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल तो मेरे पास है, अभी मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल तो मेरे पास है, अभी मुझे SI निकालना है, तो SI हम लोग इस फॉर्मूला में लगा के निकालते हैं SI। तो SI का फॉर्मूला क्या हुआ, PR उसके बाद क्या है, T बटे में 100 हुआ, तो P कितना है मेरा, 5000 रुपये लगाओ, R कितना है मेरा, 10, टाइम भी मेरा 10 ही है, अब यहाँ पर मेरा 100 आया, ये 00000, 5 लिखो, उसके बाद 1, 2, 3 कितना है मेरे, ये 00000 गए, 10, 10, 100, 105, 500, 5000 का 5000 मुझे क्या मिल रहा है, ऐसा ही मिल रहा है मुझे, यानी कि मेरा अमाउंट कितना हुआ, 5000 प्लस 5000, यानी कितना मेरा 10000, यानी कि 5000 रुपये अगर मैं 10% दर पर रखता हूँ 10 वर्ष के लिए तो डबल होगा पैसा, समझ में आएगा, वहां पर आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी समझ में आया, अभी क्या निकाला हम लोगों ने, अमाउंट निकाला, 5000 कैसे आया, यहाँ पर कैलकुलेट किया, 5000 रुपये का 10% दर से 10 वर्ष में कितना होगा, 00000 गया, उसके बाद ऊपर कैलकुलेशन कितने गया, 5000 आया, ये मेरा क्या बना SI, अब ये 5000 तो मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल प्लस SI मतलब मुझे 10 वर्ष बाद कितना मिलेगा, 10 वर्ष बाद मुझे मिलेगा 10000 रुपये मिलेगा, समझ में आया। तो इसको हम लोग इतना ना लिख के हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। SI का दूसरा भी फॉर्मूला होता है, SI का दूसरा भी फॉर्मूला, SI का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, SI into R into T, ऐसा भी होता है, R into T लगा के, जैसे कि मुझे कितना का निकालना था, 5000 रुपये का निकालना था, 5000 रुपया का मुझे निकालना था, तो इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट R into T, R कितना है मेरा 10 है, T भी मेरा कितना है 10 ही है, अब इसके लिए क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे यहाँ पर 100 लगाना है, क्योंकि परसेंटेज साइन होता है, बात उतना ही आया कि नहीं आया,
यहाँ पर भी यही आएगा। ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों एक ही है। कोई कोई ये फॉर्मूला फॉलो करता है, कोई कोई ये फॉर्मूला फॉलो करता है। समझ में आया? तो कितना आया मेरा? 5,000 रुपये। समझ यहाँ तक समझ में आया? तो कन्फ्यूज नहीं है? चलो, तो मेरा अमाउंट निकल गया, अमाउंट मेरा निकल गया 10,000 रुपया। अब इसी बात पर ऐसा था, यानी कि मेरा ऐसा कितना है, ऐसा है मेरा कितना आया? 5,000 रुपया आया। अब ये नहीं था, सपोज ऐसा ही है मेरे पास, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, मुझे अभी टाइम निकलना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे टाइम निकालने के लिए? टाइम बराबर क्या होगा? ऐसा ही लगाओ, वहाँ पर क्या है, फिर 100 डालो, फिर क्या आएगा, फिर 5,000 आएगा, फिर क्या आएगा, 10, फिर कटा, कितना आया? 10 ही आएगा। सिर्फ रिप्लेस कर देना है। अगर मुझे निकालना है, चलो ये तो था मेरा थोड़ा डबल वाला आया था, अभी दूसरा देखते हैं। 5,000 रुपया था प्रिंसिपल, रेट है मेरा 5%, टाइम है मेरा 4 इयर्स, 4 इयर्स है मेरा। अब यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रिंसिपल प्लस ऐसे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मेरा कितना है? 5,000 रुपये। मुझे सिर्फ क्या लगाना है? SI। तो SI का फॉर्मूला क्या है? T×R/100। समझ में आया? तो प्रिंसिपल कितना है मेरा? 5,000 है। अब ये फॉर्मूला लगाओ, T×R कितना होगा? कितना होगा? 5,000 है, 20 कर दो, उसके बाद क्या आएगा? 100। ये काटो, कितना आया? 20×100, यानी कि मेरा 1,000 रुपीस है ऐसे। ये दोनों क्या बन के आया मेरा? 6,000 रुपया मिश्रधन अमाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? अभी पूछो, समझ में नहीं आया है तो पूछो। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया था, 5% दर पर 4 वर्ष के लिए रखा, तो उसको कितना मिलेगा? अभी 6,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल तो मेरा ऑलरेडी है 5,000 रुपया, अभी मुझे क्या निकालना है? SI। तो SI का फॉर्मूला डाला था, कितना है? 1,000। तो 1,000 से 5,000 जोड़ दे, कितना हो गया मेरा? 6,000। 6,000 हो गया, यानी कि मेरा SI कितना है? SI है मेरा 1,000 रुपया। अब यही सवाल था, लेकिन यहाँ पर रेट नहीं था। सपोज अभी मुझे रेट निकालना है, 5,000 रुपये पैसा का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 1,000 रुपये मिलता है, तो दर ज्ञात करो। फाइंड द रेट एट द अमाउंट एट द प्रिंसिपल ऑफ 5,000 रुपीज फॉर 4 इयर्स इफ SI इज 1,000। 5,000 रुपया है, टाइम 4 वर्ष है, अब SI कितना है मेरा? 1,000 रुपये। मुझे क्या निकालना है? रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? SI कितना है मेरा? 1,000 लगाओ, यहाँ पर 100 लगाओ, अब मेरा क्या है ये प्रिंसिपल, ये लगा रहा है फॉर्मूला। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 5,000 रुपया है, और टाइम मेरा कितना है? 4। ये 000 000, 5×4=20, 20×5=100, यानी कि अब इसी तरह मुझे टाइम निकालना है, तो फिर क्या करेंगे? सेम टाइम का फॉर्मूला, ऐसा ही लगाओ, मेरा कितना है? 1,000, यहाँ पर 100 लगाओ, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 5,000, रेट कितना है? 5, ये गया, कितना बच जाएगा? 4 इयर्स। इस तरह से हम लोग रेट, टाइम, प्रिंसिपल हम लोग किसी भी तरह से, चलो ये समझ में आ गया। अभी हम लोग टाइम दिन में निकाल रहे हैं, दिन में निकालेंगे हम लोग। सपोज यही था, 5,000 रुपया का 5% दर से 73 दिन में कितना SI होगा? सपोज अब दिन वाला बात आया, 5,000 रुपया का 73 दिन में कितना होगा? 5,000 रुपया का P×R, ये 73 लगाओ यहाँ पर, ये 100, इसको क्या करना पड़ेगा? 365 से भाग करना पड़ेगा। अभी मैं बताया था दिन मतलब 365 से, कितना बार जाएगा इसको? 5 बार जाएगा, 5 5 कटा, मतलब 50 रुपीस मेरा क्या मिलेगा? SI मिलेगा।
समझ में आया? यही अगर क्वेश्चन ऐसा होता, यहाँ पर दिन नहीं है, सपोज यहाँ पर था 6 महीना, ऐसा होता तो 5,000 रुपया का 5% दर से 6 महीना में कितने ऐसा होगा, तो फिर वही फॉर्मूला लगाओ, पी लगाओ यहाँ पर 5,000, रेट लगाओ, टाइम लगाओ 500, इसको क्या करना पड़ेगा अभी 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मतलब मंथ मतलब 12, फिर 00 00, 6 से कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 से 25 25 25 125, ये हो गया मेरा एसआई। समझ में पूरा बेसिक लेवल का, अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को समझ रहे हैं, बाद में जाकर शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग। अभी देखो कहाँ समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन दूंगा। समझ में चलो कोई बात नहीं, इसका कुछ भी करो ना यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारा 1 पूर्णांक 1/2 ऐसा, तो 1 ईयर 6 डेज है तो लगाओ क्या है इसमें, लेकिन कैलकुलेटिव होगा। 1 साल 6 दिन मतलब कितना होगा, 1 साल में कितने दिन होगा, 365 दिन होगा, 1 साल 6 दिन, अब 6 दिन जोड़ दें यहाँ पर कितना आएगा, 371 डेज होगा। अब फिर 365 से भाग करो, जैसे कि अब यहाँ पर है 6 महीना, यहाँ पर है तुम्हारा 2 साल 6 महीना ऐसा है, तो फिर 2 साल मतलब कितना महीना, 24 महीना, फिर 6 जोड़ दो, फिर यहाँ पर 30 महीना होगा, फिर 12 से भाग करो। प्रॉब्लम खत्म। एनी क्वेश्चन? 1 1/2 ईयर से अगर यहाँ पर टाइम में 1 1/2 ईयर से, इसको तो घटाओ ना, क्या करेगा, 3/2 हो गई, 5,000 रुपया का 5 वर्ष में इतना वर्ष में कितना होगा, तो लगाओ ये क्या है मेरा, पी टी आर बटे में 100, ये 2 है ना, 2 नीचे आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 00 00 गया, 2 से इसको जाएगा 25 बार, 5 3 15 15 5 75 का 5, अपने 7, 15 2 30 30 37। शॉर्टकट मेथड भी इसका, अभी शॉर्टकट हम लोग बाद में करेंगे। चलो तो अब हम लोग सवाल करेंगे। ए मैन लूज 55.50 रुपीस ईयरली व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स फ्रॉम 11.5% टू 10%, यानी कि वार्षिक जो दर है 11.5% जो रेट है, अगर 11.5 से घटकर 10% होता है तो उसका हानि 55.50 पैसे होता है। तो पहले कितना था इसका वार्षिक, 11.5% ये रेट था, ये ईयरली रेट था, हुआ अभी से घट के कितना हो गया, ये 10%, अब रेट ये बन गया है, ये ईयरली रेट हो गया है। तो जब इतना हुआ तो उसको घाटा कितना हुआ, 55.50 पैसे, तो डिफरेंस क्या है किसका, 1.5%, और ये 55.5, तो 1% बराबर ये 1.5, तो मुझे क्या निकालना है, 100%। 100% मतलब हमेशा हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, हुआ। तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 100, डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बदले 2 डिजिट, तो 2 0, इसके बदले हम लोग ऊपर कितना लिख सकते हैं, 10, डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उसका उतना ही 0 लिखना है। तो ये मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, जहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये गया, अब 15 से इसको काटो, 15 3 45, कितना बचा यहाँ पर, 10 बचा, क्योंकि 15 3 45, 55 45 गया, कितना बचा, 10, 10 और 5 कितना, 105, 15 7 105, ये 0 और ये 0 इधर जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3700 रुपया हमारा आंसर हुआ। समझ में आया, अगर नहीं आया है तो पूछना, समझ में आया नहीं आया, इतना था जब घटके इतना हुआ तो डिफरेंस उसको कितना हुआ, 55.5% का
55.50 रुपया का लॉस हुआ, तो इसका घटाओ, घटाने के बाद कितना आया 1.5%, तो 1.5% मतलब ये होगा, तो 1% बराबर ये, और 100% मतलब इसका हमें कैपिटल कितना होगा सम। तो इसको काटना तो अपना अपना तरीका है, जिस भी तरीके से काटो, काटने का कोई नियम नहीं होता है। समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? पूरा समझ में नहीं आया? क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। 11.5% पहले इतना मिलता था उसको दर, अब इतना नहीं मिलता, कितना मिलता है अभी 10% मिलता है उसको दर। तो जब इतना मिलने लगा तो पैसा उसको कितना मिला, इतना कम मिला, इतना रुपया लॉस है उसको। तो ये दोनों का अंतर, इसमें ये घटाएगा तो इतना आएगा, ये बराबर ये, तो 1% बराबर इसका ये बटे में ये। अब 100% मतलब 100% तो फॉर्मूला का ही है, तो काट कूट के किया तो 3700 रुपया आया। सवाल 25% ध्यान से पहले सवाल को पढ़ो फिर बनाओ, ब्लाइंडली डू नॉट सॉल्व। अब 25% पर एनम, मतलब पर एनम कौन सा क्या होता है प्रति वर्ष 25% अगर दर है तो कितने वर्ष में कोई धन 3 गुना होगा, ट्रिपल इटसेल्फ। तो उसी दिन बताया था मैंने, यहाँ प्रिंसिपल लिखो, ये अमाउंट लिखो, ये एसआई लिखो, ये रेट लिखो, ये टाइम। अब कितना रुपया हमें मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी उसका 3 गुना होता है। चलो 1 रुपया था तो बढ़ के कितना हुआ 3 रुपया, 3 गुना, इसका मतलब ऐसा कितना होगा मेरे यहाँ पर 2 रुपया होगा आंसर। और दर कितना है, दर 25% है, मुझे टाइम निकालना है। देखो कोई धन है जो 3 गुना होगा 25% दर पर, तो बताओ समय क्या है। तो कुछ भी मानो, यहाँ पर 100 मानो, x मानो, p कुछ भी मानो, लेकिन इसका 3 गुना होगा ये। तो 1 रुपये माना मैंने यहाँ पर, तो बढ़ के कितना रुपया हुआ 3 रुपये। वहाँ भी क्वेश्चन में बोला गया है कि बढ़ के तीन गुना होता है 3 रुपये। अब तो 3 गुना हो गया तो ऐसे कितना होगा, ऐसे तो हमेशा अमाउंट में प्रिंसिपल को घटाना पड़ता है, तो घटाया तो 2 आया, तो 2 ऐसा ही हुआ। रेट हमें दिया हुआ है, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला एसआई इंटू 100 बटे में पी इंटू आर। तो ऐसा हमें मालूम है 2 रुपया है, 2 रुपया एसआई, 100 यहाँ लगाओ, प्रिंसिपल कितना है 1 रुपया, टाइम कितना है 25%, तो काटो 4 × 2 = 8, यानी कि 8 वर्ष। समझ में आया? ओह मालूम है, कोई बात नहीं, हो गया। तो हम लोग अब कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, 10 का हो गया, वांग मी 10 नंबर डन। 11 नंबर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2500 रुपीज एट एसआई, इंटरेस्ट बिकम्स टू 3300 रुपीज इन 4 इयर्स। क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपया है, अमाउंट कितना है 3300 रुपया है, और क्या दिया है यहाँ पर, टाइम कितना है हमारा 4 इयर्स। अब मुझे क्या निकालना है, रेट। तो रेट बराबर क्या होगा, एसआई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। तो एसआई क्या होगा, एसआई इसमें घटाना पड़ेगा, एसआई मतलब क्या होगा, एसआई मतलब होगा अमाउंट में हमेशा प्रिंसिपल घटाओ। तो ये 3300 रुपया है, यहाँ पर 2500 रुपया है, तो क्या होगा घट के 800 रुपया। तो लगाओ 800 रुपया एसआई में, यहाँ 100 लिखो, प्रिंसिपल में कितना है 2500 रुपया, टाइम में कितना है 4000, 25 से कितना बार जाएगा 4 बार, 4 से 2 बार, यानी कि 8% हमारा दर है। समझ में आया? चलो तो ये 12 का, 13 का, 14 का बनाना है तो देखो, नहीं तो डायरेक्ट 16 बनाएंगे हम लोग, 16। चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, हाँ 16 नंबर सवाल क्या है, 16 डायरेक्ट। वांग मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस 12, 13, 14, 15, प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं है नवीन। चलो तो 16 का डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग,
ए सम अमाउंट्स टू 2486 रुपीज विद इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम, देन व्हाट इज द सम? अब यहाँ क्या दिया है, अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना है मेरा 2486, और क्या दिया है, रेट है मेरा 13%, और मुझे सम तो नहीं दिया है, सम मतलब होगा मूलधन, लेकिन टाइम क्या है ये मेरा ईयरली है, ईयरली मतलब यहाँ पर बोला है पर एनम प्रत्येक वर्ष, तो मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, सम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सम को इस तरह से निकालेंगे हम लोग, अमाउंट करो यहाँ पर किया, उसके बाद यहाँ पर लगाओ पी प्लस 13%, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं पी, समझ में आया, तो 2486 कितना होगा यहाँ पर, ये 100% होगा, सम हमेशा क्या होगा 100% होगा, तो ये हो गया 113, यहाँ पर लिखे 100, कितना बार जाएगा 22 बार जाएगा, तो कितना होगा मेरा 2200। वैसे इसको करने का तरीका दूसरा भी है लेकिन उतना तरीके से हम लोग नहीं जाएंगे। इस तरह का सवाल जब भी दिखेगा अमाउंट ये देखो, हमेशा प्रिंसिपल को 100% मानो, उसके बाद अमाउंट बोलेगा ना तो जोड़ दो, जितना भी बड़ा हुआ है 10% 20% जोड़ दो, वो अमाउंट बन जाएगा। जैसे कि इस केस में क्या है 13% रेट था, तो ये जोड़ दिया मैंने 100 में, ये अब एक ही बार जोड़ा है, क्यों, क्योंकि एक साल बोल के बोला है, अगर 2 ईयर्स बोलता तो यहाँ पर कितना लगा था मैं 126 होता। और दूसरा तरीका अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग दूसरा जानते हैं दूसरा क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी टी आर बटे में 100, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो उतना लंबा चौड़ा में नहीं जाना है। समझ में आए, एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है, तो